50 के 50 लोग चाय और पकौड़ा बेचेंगे तो खरीदेगा कौन? न भाषण चाहिए आपका, न आश्वासन चाहिए, हमें रोजगार का कानून चाहिए। 20 से 25 लाख रुपए पर कैंडिडेट से लिए जा रहे हैं मिनिमम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। तो प्रधानमंत्री को ऐसी बात बोलते हुए तो शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने ऐसी बात बोली। समझा रहे ना कि देखो तुम्हारी वोट की वैल्यू 2000 और मुर्गा भात नहीं है, तो हमारे वोट की वैल्यू 12 लाख रुपया है, वो हमें 2000 रुपए में लेके जा रहा है ना। घाटा नहीं है, घटिया है, घटिया सौदा ये। या तो अगर कानून नहीं बनाएंगे तो हम साफ कह देते हैं, मोदी जी आप अपने घर का वोट ले लीजिए और सरकार बना लीजिए। जो रोजगार कानून की बात नहीं करेगा उसे हम लोग चिन्हित करेंगे। ये पार्टी धोखेबाज है, ये नेता धोखेबाज है। आपको निकाला गया तो आपको क्यों निकाला गया? मेरे से पैसा मांगा गया था और उसका इतना अमाउंट था कि मैं नहीं दे पा रहा था। 20 से 25 लाख रुपए पर कैंडिडेट से लिए जा रहे हैं मिनिमम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं जनहित आवाज और मैं हूं आपके साथ ब्यूटी गिरी। अभी एक नए आंदोलन का आगाज हुआ है जिसका थीम है एक वोट एक रोजगार। यानी आप सभी को पता होगा रोजगार हमारे देश में कितना बड़ा मुद्दा है और इसी को लेकर तमाम लोगों ने एक आंदोलन शुरू किया है, जन आंदोलन शुरू किया है कि एक वोट एक रोजगार। और उसी को लेकर तमाम लोग यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि पूरा क्या थीम है और पूरा इनकी पूरी जो मांगे हैं वो क्या है। नमस्ते, मेरा नाम प्रवीण काशी है और मैं जनहित आवाज़ को धन्यवाद देता हूँ कि जो आप लोग हमारे इस अभियान का कवरेज के लिए आए। बेरोजगारों की आवाज़ है, हम गरीब से गरीब आदमी जो जिसके पास कुछ भी नहीं, काम भी नहीं, वो बेरोजगार होता है। तो हम लोगों ने यही कहा कि बहुत हो गया, 75 साल हो गए, हर बार भाषण दे दे के सुन सुन के हमारे कान पक गए। भाषण देते हो फिर आश्वासन दे, हमारे हाथ कुछ भी नहीं आता। जितने काम थे वो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट पे डाल दिए, ठेके पे, है ना। नौकरियां वैकेंसीज आती नहीं है और वैकेंसी आती है तो पेपर आउट कर देते हो, पेपर आउट कर लेते हो वो भी कई दिनों तक, कई सालों तक लटक जाती है, बातें अटक जाती हैं। तो अब जो हम लोग ये कह रहे हैं कि अब हमारे वोट के बदले क्या, न भाषण चाहिए आपका, न आश्वासन चाहिए, हमें रोजगार का कानून चाहिए। आप ध्यान दीजिएगा, हम कह रहे हैं एक वोट एक रोजगार का मतलब एक रोजगार का कानून जो कि राइट टू वर्क है, उससे नीचे हम बात नहीं कर रहे। और साथ में हम एकदम साफ कर रहे हैं कि न्यूनतम मजदूरी की गारंटी, ये नहीं कि 5000 रुपये पर आप हमारा काम ले लीजिए, 7000 रुपये हमारी सैलरी दे दीजिए, वो नहीं। न्यूनतम मजदूरी जो सरकारों ने तय किया है वो आपको हमें देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हैं तो आपको बेरोजगार और मजदूर महिलाएं कोई भी आपको वोट नहीं करेगा, क्योंकि आप, हमें मालूम है आप भाषण देने के लिए फिर आओगे, चुनाव में जा ही रहे हो, रोज़ दे रहे हो, हमारी आवाज़ जहाँ तक पहुँचेगी जनहित आवाज़ से, हम लोग एकदम साफ कर दिए एक वोट के बदले एक रोजगार का मतलब एक रोजगार का कानून है, उससे नीचे कुछ भी नहीं। और बुजुर्गों का भी वोट है, वो भी तो वोटर है, उसने देश के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में पूरी जिंदगी लगा दी। आज वो बुजुर्ग जो है उसको कितना दे रहे हैं आप, 1000 1500, उसको जो न्यूनतम पेंशन है वो न्यूनतम मजदूरी का आधा मिले। अगर न्यूनतम मजदूरी 20000 रुपया है तो उसको पेंशन 10000 रुपये का मिले, ताकि वो जिसने देश के निर्माण में हिस्सेदारी लिया, राष्ट्र के निर्माण में अपने परिवार को बनाया, वो आज जो है दरवाजे पे दर दर की ठोकरें खा रहा वो ना खाए। और फिर इस देश में हर नौजवान एक दिन बूढ़ा होगा, उसकी स्थिति भी सम्मानजनक हो। तो ये हमारी बातें हैं, एक वोट के बदले एक रोजगार का मतलब साफ है कि अब हम आपके वोट के बदले जो हमारा वोट लेके जाओगे, अभी नेताजी आएंगे वो कहेंगे 2000 का नोट ले लो, चुनाव में यही होगा, है ना, कोई कहेगा 5000 रुपया ले लो, कोई कहेगा शराब की बोतल ले लो। इसी को लेकर सवाल है कि आप कह रहे हैं कि मजदूर और जो ये लोग हैं वो वोट नहीं देंगे, लेकिन यही लोग भाषण सुनने जाते हैं और यही लोग जो हैं वो जब इलेक्शन आता है तो 2000 रुपये एक बोतल दारू, मुर्गा भात की पार्टी और इन सारी चीज़ों पर फिसल जाते हैं और जाके वोट दे आते हैं। हाँ, तो यही तो अब हम समझा रहे हैं उनको, समझा रहे हैं ना कि देखो तुम्हारी वोट की वैल्यू 2000 और मुर्गा भात नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो एक बार मिलेगा जब चुनाव का दिन आएगा उस समय। अगर आपको रोजगार का कानून मिलता है
तो आपको न्यूनतम मजदूरी की गारंटी के साथ 20,000, सपोज आपने ITI की, आप तकनीशियन हैं, आपको रोजगार की गारंटी मिल गई, तो आपकी वैल्यू कितनी हो गई, 20,000 रुपये की। आपको हर महीने कितना मिलेगा, अगर रोजगार का कानून है तो 20,000 रुपया। वो तो चुनाव में 5 साल में एक बार 2,000 देके गया, एक शराब की बोतल। 20,000 रुपये के हिसाब से आपको मिलेगा एक साल में 2,40,000 रुपया। तो आपकी वोट की वैल्यू कितनी हो गई, 2,40,000 एक साल की। 5 साल की वैल्यू है उसकी 12 लाख की। तो हमारे वोट की वैल्यू 12 लाख रुपया है, वो हमें 2,000 रुपये में लेके जा रहा है। तो यही हम समझा रहे हैं कि तुम कम में नहीं, ये तो आपका बहुत ही औने पौने दाम लगा दिया। घाटा, घाटे से भी नीचे है ये तो, है ना, घाटा नहीं है, घटिया है, घटिया सौदा। तो हम घटिया सौदा नहीं करेंगे, ये सौदा होगा। हमारी वोट की जो मूल्य है वो है 12 लाख रुपया। अगर आपके घर में 4 वोटर हैं तो आपके वोट की वैल्यू कितनी हो गई, 12 × 4 = 48, 48 लाख रुपया 5 साल में आपकी वोट की वैल्यू बनती है। 5 वोटर हैं तो आपकी 1 लाख रुपये बनती है, तो 12 × 5 = 60 लाख रुपये बनता है। आप 2,000 रुपये में क्यों वोट देंगे भाई? आप जो है न्यूनतम मजदूरी गारंटी वाला रोजगार कानून ले जाइए, और ये तभी होगा, ये कोई पार्टी नहीं करेगी। जब हम बेरोजगार मजदूर टीचर सारे इकट्ठे हो जाएंगे, ये पॉसिबल है। क्योंकि ये या तो अगर कानून नहीं बनाएंगे तो हम साफ कह देते हैं, मोदी जी आप अपने घर का वोट ले लीजिए और सरकार बना लीजिए, इसको जिसको आपने रोजगार दिया उससे ले लीजिए, है ना। जो वहाँ का सांसद है वो अपने जिसको काम दिया है, जिसको टेंडर दिया, जिसको ठेका दिया, उससे वोट ले ले और उसी से अपना देख ले, जीत ले। अगर आपको हम सबका वोट लेना है, रोजगार कानून के बिना बात नहीं बनेगी। नए संसद में जो आपने न्याय का सेंगोल लगाया है उसके तहत आप न्याय करिए, या तो आप हमारे पे डंडा बजाने का सेंगोल है तो हमारे पे डंडा खाने का अब नहीं है, अब हमें न्याय चाहिए। और वो न्याय रोजगार कानून की बात के साथ, रोजगार का बिल पास करिए। आपके पास 303 सांसद है, 303 सांसद है ना, तो 303 सांसद मिलके ये कानून बना सकते हैं, ये बिल पेश कर सकते हैं, और विपक्ष के लोग इसका समर्थन करेंगे। नहीं करेंगे तो उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। जो रोजगार कानून की बात नहीं करेगा उसे हम लोग चिन्हित करेंगे, उस नेता को, उस पार्टी को, कि ये धोखा देने वाली बात कर, ये धोखेबाज है, इस ये पार्टी धोखेबाज है, ये नेता धोखेबाज है। तो अब हमें, हमने तो तय कर लिया, एक वोट के बदले क्या, एक रोजगार, और वो रोजगार का कानून। जी मैम से बात करेंगे। मैम मोदी जी लगातार कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड होइए, रोजगार के पीछे मत भागिए, रोजगार आपको 4 दिनों की नौकरी देगी, खुद जॉब, खुद रोजगार देने वाला बनिए। इस पर आपके क्या कहना है? अब पहली बात तो यह है कि खुद रोजगार देने से पहले आप ये बात सोच ली कि कौन सा व्यक्ति बिना पैसे के कौन सा रोजगार इकट्ठा कर सकता है। जब खाने के लिए घर में रोटी नहीं है, महीने में 10,000 रुपया नहीं मिल रहा है, वो व्यक्ति स्वरोजगार कैसे करेगा और कैसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा, है ना। तो हमारा सिर्फ ये कहना है कि ये तो खाली जुमला है, समझ में आ रही है ना। तो मैं सिर्फ इतना ही कह रही हूँ कि ये जो एक वोट एक रोजगार की बात हो रही है, बिना इसके कोई भी चीज़ होने वाली है नहीं। कि वोट आप 18 साल के बच्चे जैसे 18 साल में जाता है, उसका वोटर ID बना, जगह जगह आप पोस्टर लगा देते हैं, जगह जगह आपका चलने लगता है कि आप अपना वोटर ID बनाइए, क्योंकि आपको वोट चाहिए। अगर आपको, आपको इतना ही जनता की चिंता है, जिस तरीके से आप बोर्ड बनवाने की बात कर रहे हैं उसी तरीके से आप रोजगार की बात कीजिए ना। आप 18 साल के हो गए हैं, आप कमाने लायक हो गए, आपको वोट देंगे तो आपको रोजगार भी मिलेगा सरकार की तरफ से, ये बात तो नहीं होती है। तो आप सिर्फ, आप कैसे सेल्फ एम्प्लॉयड की बात कर रहे हैं कि जब खाने के लिए रोटी नहीं है तो कैसे लोग, इंसान अपना काम करेगा। वो कहते हैं कि चाय बेचिए, पकौड़े बेचिए, सब रोजगार है। तो चाय और पकौड़ा, मैं बता दूं, 50 लोगों का परिवार, फैमिली रह, एक कॉलोनी है, 50 के 50 लोग चाय और पकौड़ा बेचेंगे तो खरीदेगा कौन? तो यही तो ये मजाक है पूरा का पूरा कि पकौड़ा बेचिए, चाय बेचिए, ऐसे नहीं होता है ना। मेरे को घास काटना आता है तो मुझे घास काटने का काम चाहिए, मुझे पढ़ाना आता है तो मुझे पढ़ाने का काम चाहिए, और मुझे अगर कुछ और काम आता है तो मुझे वो काम चाहिए। ऐसे थोड़ी कि मुझे पकौड़ा बनाना नहीं आता, ज़बरदस्ती कैसे पकौड़ा बना लूँगी। तो ये सवाल है, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि मतलब हमेशा इस तरह की बात, तो मतलब
कम से कम वो ऐसी बात होनी चाहिए ना जो सच में को बहकाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल बहकाने की बात है ये। इसमें सिर्फ इतना ही कहना चाह रही हूँ, जो काम जिसको आता है, कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, वो मजदूरी करना जानता है, उसको ईंट ढोना आता है, तो उसको ईंट ढोने का काम मिलना चाहिए ना, तो वो काम दीजिए ना। आप जबरदस्ती आप अपनी तरफ से बना दे रहे हैं कि चाय बनाइए, पकौड़ा बनाइए, कितने लोग पकौड़ा और चाय बनाएंगे। जी यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर आपका क्या कहना है? मेरा कहना यह है कि चाय पकौड़े इतने लोग बनाएंगे तो खाएगा कौन, खाने वाले भी तो चाहिए। और दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने जब ये इंटरव्यू में बात बोली थी तो उन्होंने कहा था कि 200-300 रुपये बंदा कमा लेता है चाय पकौड़ा बेच के, तो उस हिसाब से भी जोड़ा जाए तो महीने का 9,000 रुपये बनता है, तो लेकिन मिनिमम वेजेस 18,000 है, 20,000 है, तो वो बंदा भी उनके हिसाब से भी मिनिमम वेज नहीं कमा रहा है, तो जीविका जी वो बस उसका काम चल रहा है, वो मिनिमम वेज उनके हिसाब से भी नहीं कमा पा रहा था। तो प्रधानमंत्री को ऐसी बात बोलते हुए तो शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने ऐसी बात बोली कि वो मिनिमम वेज की बात भी नहीं बोल पा रहे थे अपने इंटरव्यू में जब उन्होंने ये जुमला फेंका। तो इसलिए रोजगार देना उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। और जैसे कि मैंने कहा कि मैं अपनी हर बात में ये कहता हूँ, जब भी मैं कहीं पर डिस्कस करता हूँ कि हमारा देश युवाओं का देश है। अब आप कहे कि उनके लिए उनको स्टार्टअप का जो ईज़ ऑफ बिजनेस डूइंग के लिए उनको करना चाहिए ताकि लोग स्टार्टअप बच्चे स्टार्टअप लगा सके, लेकिन स्टार्टअप जब उन्होंने किया है उनके लिए तो उन्होंने जो मजदूरों के राइट्स कहीं छीन लिए। तो एक हाथ दे एक हाथ ले वैसे वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। स्टार्टअप के लिए बच्चों के लिए या लोगों के लिए सुविधाएं या फिर जो भी प्रोसीजर होता है उसको ईजी किया जाए और साथ ही साथ मजदूरों का और किसानों का भी ध्यान रखा जाए। अच्छा अगर मोदी जी की अगर बात करें तो वो आवास योजना दे रहे हैं, खाने के लिए राशन दे रहे हैं, बीमार होने पे आयुष्मान योजना दे ही रहे हैं, किसानों के अकाउंट में 2,000 रुपये भेज ही रहे हैं, तो लोग इसी में संतुष्ट हैं। तो वो अगर सबको खाने मतलब राशन दे रहे हैं तो इतना हमारे देश में तब भी इतनी भुखमरी क्यों ज़्यादा है? दूसरी बात ये है कि तब भी इतना कुपोषण क्यों हो रहा है जब वो खाने को दे रहे हैं, तो इतने लोग भूखमरी से क्यों मर रहे हैं? हाँ अगर हाँ सही बात है, अगर हम उतना ही मोदी जी को हम दे देते हैं राशन तो मोदी जी का काम चल जाएगा क्या? तो ऐसा नहीं है, लोगों की सुविधाएं और ज़रूरतें इससे ज़्यादा होती है जो उनको नहीं मिल रहा है जो उनको मिलना चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना कि जो उनको मिलना चाहिए उतनी सुविधाएं नहीं मिल रही है। यहाँ पे एक और प्रोफेसर बैठे हैं जो काफ़ी टाइम तक 5 सालों तक लगभग डीओ में शिक्षक हुआ करते थे, प्रोफेसर हुआ करते थे, लेकिन अब उन्हें निकाल दिया गया है। सर क्या कहानी है आपकी, क्यों निकाल दिया गया आपको? देखिए यूनिवर्सिटी में रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस अभी चल रहा है उस प्रोसेस के थ्रू एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ यू नो ग्रुप के लोगों को लगाया जा रहा है। उन लोगों को इसलिए लगाया जा रहा है ताकि आने वाले टाइम में वो उनके लिए इलेक्शन में काम करें या इन सब चीज़ों के लिए काम करें। ओपनली प्रोफेसर हायर किए जा रहे हैं वो इलेक्शन में काम करें, ऐसे लोग हैं? काफ़ी सारे लोगों को इवन डेप्यूट कर दिया गया, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कि हमने आपका काम कर दिया है, अब आप जाइए हमारे लिए काम कीजिए। तो इट्स काइंड ऑफ यू नो ऑफिशियल पे रोल जो होता है, हाँ काइंड ऑफ सांठ गांठ हो रहा है और ऑफिशियल पे रोल पब्लिक मनी के ऊपर पे कर किया जा रहा है और वो किसी के लिए काम कर रहे हैं बाहर जा कर के। तो इस तरह से हमारा जो एजुकेशन सिस्टम वो पूरा कोलैप्स कर जाएगा। डीयू का जो अंडर ग्रेजुएट का डिग्री है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, यहाँ से लोग हार्वर्ड में भी पढ़ने जाते हैं, बाकी सारा जो तमाम यूनिवर्सिटीज़ है उसमें पढ़ने के लिए जाते हैं, बट ये सिस्टम है इसको पूरा कोलैप्स की तरफ पुश कर दिया गया है। हो सकता है कुछ टाइम में ऐसा टाइम आ जाए कुछ कि लोग अपने बच्चों को एडमिशन नहीं दिलवाएंगे डीयू में क्योंकि क्वालिटी इतना गिर जाएगा। ऐसे लोगों को अपॉइंट कर दिया है जो लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं और ऐसे ही लोगों को बुलाया जा रहा है कि जिनको क्वेश्चंस नहीं पूछना आता है पैनल के अंदर, और वो जिनको उनको जहाँ बोला जाए वहीं पर सिग्नेचर कर दें और उनको जो चाहिए पैसा चाहिए या जो भी चाहिए वो उनको मिल जाए। तो इस तरह का सांठगांठ या कोलैबोरेशन चल रहा है। आपको कैसे निकाला गया था, क्या प्रक्रिया थी और किसने किया था इंटरव्यू? हमारा जो इंटरव्यू हुआ था उसमें एक राज्यसभा के सांसद आए थे जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं, हिमाचल प्रदेश से, डॉक्टर सिकंदर कुमार। और मेरा जो इंटरव्यू चला था वो 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं चला। हमारा जो इंटरव्यू हुआ था उस दिन 200 से ज़्यादा कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होना था और 200 से ज़्यादा कैंडिडेट्स का आप 10 बजे से लेकर के
4:30 या 5 बजे तक, जिसमें लंच ब्रेक भी होता है 2 घंटे के आसपास, कैसे आप इंटरव्यू कर पाएंगे? तो आप इसका एवरेज निकालेंगे तो पर कैंडिडेट मुश्किल से 2 मिनट होता है। 2 मिनट के अंदर तो आप अपना इंट्रोडक्शन ही नहीं दे पाते हैं, और जब क्वेश्चंस पूछा जाता है तो वो मोबाइल से देख करके क्वेश्चंस पूछ रहे थे। तो वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि एक पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए क्वेश्चंस डिजाइन करके उस एक्सपर्ट को भेजा जाता है, ताकि उस जिस कैंडिडेट ने पैसा दिया है उस कैंडिडेट से वो ही क्वेश्चन पूछा जाए जो उसको मोबाइल के ऊपर भेजा गया है। तो सिकंदर कुमार जी वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे ताकि वो क्वेश्चंस वो पर्टिकुलर कैंडिडेट था उसका आंसर वो दे सके। बाकी सारा जो कैंडिडेट है, एक चीज़ इसमें ये भी है कि सिकंदर कुमार जी के अंदर इतना कैलिबर नहीं है कि वो अपने खुद के क्वेश्चंस डिजाइन कर सकें। हाँ। वो अपने खुद के क्वेश्चंस जो इंटरव्यू लेने आया है उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है उससे सवाल पूछ सके। नहीं, इतनी काबिलियत नहीं है। आप उसको मीडिया के सामने भी बैठाएंगे तो आप ओपन इंटरव्यू करवाएंगे तो उसमें वो ऐसे इंटरव्यू नहीं ले पाएगा। ये सब हो रहा है, वो क्वेश्चंस फ्रेम नहीं कर पा रहा है, वो प्रॉपर इंग्लिश के सेंटेंसेस नहीं बोल पा रहा है, जबकि वो प्रोफेसर है और वाइस चांसलर रह चुका है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का। बाकी इंटरव्यूज में भी ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं कि एक इंटरव्यू के अंदर ऐसा हुआ है, काफ़ी सारे इंटरव्यू जो हुए हैं DU में उसमें एक्सपर्ट्स ऐसे आते हैं जो क्वेश्चंस ड्राफ्ट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो मोबाइल फ़ोन में देखकर पूछते हैं, और उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को टारगेट किया जाता है कि जिसके लिए वो क्वेश्चंस उनको भेजे गए हैं व्हाट्सएप पे, वो इसलिए रीड करके पूछते हैं। और उस कॉलेज के अंदर CCTV कैमरा लगा हुआ है जिसके अंदर पूरा इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है, वो आप कॉलेज से जाके पूछेंगे तो वो बताएंगे कि वो पर्टिकुलर डे का CCTV फुटेज उन्होंने कहाँ रखा है या डिलीट किया है। ऐसा है सिस्टम, उस जहाँ इंटरव्यू हुआ था वो CCTV कैमरा लगा हुआ था। आपको निकाला गया तो आपको क्यों निकाला गया? क्या आपके उनके आप जो उनके प्रोपेगेंडा है उनकी जो लिस्ट है उसमें फिट नहीं आ रहे थे? मेरे से पैसा मांगा गया था और उसका इतना अमाउंट था कि मैं नहीं दे पा रहा था इतना। उन्होंने 25 लाख अमाउंट कोट किया था कि आप इतना अगर पे कर देंगे, उनके सोर्सेज होते हैं अलग अलग, लोकल कार्यकर्ता को वो डेप्यूट करते हैं इसके लिए, उनसे वो पैसा कलेक्ट करते हैं ताकि वो कल को अगर पकड़ा भी जाता है तो वो जेल चला जाए, उन तक वो नेटवर्क नहीं आए। बट इसका इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन अगर होता है, इनकी कॉल डिटेल्स अगर निकाली जाती है तो ये सब पूरा बाहर आ जाएगा। 20 से 25 लाख रुपए पर कैंडिडेट से लिए जा रहे हैं मिनिमम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, जिसको वो 2 साल के अंदर कमा के वापस दे सकता है। तो इस रेस के अंदर वो ही कैंडिडेट पैसा पे कर रहे हैं जिनके पास पैसा है, जो पीपल दोज हु कैन पे अराउंड 20-25 लाख। तो ऐसे कैंडिडेट्स को रिक्रूट किया जा रहा है। आप पूरा लिस्ट चेक करेंगे, 2000 लोगों को अभी तक रिक्रूट कर दिया गया है। उस लिस्ट में आपको ऐसे काफ़ी सारे लोग मिलेंगे कि जिनकी फैमिली इनकम 20 से 25 लाख रुपए पर एनम है। आप अपनी कहानी लेकर जो आपके साथ हुई है उसको लेकर एक आंदोलन में शामिल हुए हैं, एक वोट एक रोजगार के आंदोलन में शामिल हुए हैं, क्या अपील करना चाहते हैं लोगों से और सरकार से क्या मांगे? मेरा यही मानना है कि जो मेरा इकोनॉमिक्स का समझ है और जो करप्शन वगैरह हो रहा है, ये ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में हो रहा है, बाकी सारे तमाम जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं या बाकी सारे कॉलेजेस हैं, सब जगह इस टाइप का धंधा चल रहा है। 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तो एक नारा दिया गया था कि बहुत भ्रष्टाचार अब की बार मोदी सरकार, तो इस चीज़ को नलीफाई करने के लिए हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं, जिससे कि लोगों को समझाया जा सके किस तरह से करप्शन किया जा रहा है और किस तरह से रिसोर्सेज को अक्यूमुलेट कर लिया गया है। जिस अक्यूमुलेशन को अगर चैलेंज किया जाए तो इस तरह का आंदोलन खड़ा किया जा सकता है और एक वोट के बदले एक रोजगार दिया जा सकता है। तो जैसा कि आपने सुना, ये एक आंदोलन चलाया जा रहा है, एक वोट के लिए एक रोजगार चाहिए, और ख़ास तौर पर जैसे आपने इनकी कहानी सुनी कि DU के ये प्रोफेसर रह चुके हैं लेकिन एक प्रोपेगेंडा के तहत इनको निकाल दिया गया, वो भी इंटरव्यूअर ऐसा था इन जिसको अपने सवाल खुद नहीं बनते हैं, ये पूरी तरह से एक धांधली चल रही है किस प्रकार की, और उसी को लेकर ये मिशन लेके निकले हुए हैं कि हर जनता जागरूक हो और अपने अधिकारों को समझे। कैमरामैन आशीष के साथ मैं ब्यूटी गिरी, जनहित आवाज़।